पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके की जो हमारे मेंबर्स है कोई 1,50,000 के करीब है। वैसे प्रदेश के टोटल पेंशन 2,00,000 के करीब है। हमने 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और जो हमारी मेन मांगे थी वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको हमने डीसी के माध्यम से दी। हमारी जो 4-5 मांगे है कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। एक सबसे बड़ी मांग थी कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए और जिसमें हम जो हमारी मांगे है उसके बारे में वार्ता करें, और उसके अलावा जो 6th पे कमीशन है उसका एरियर दिया जाए, डीए की 12% किस्त ड्यू है वो दी जाए, और जितने भी हमारे जो पेंशनर है 1/1/16 के बाद रिटायर हुए हैं और वो फरवरी 22 तक के हैं, उनका बहुत सारा कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, पे का डिफरेंस और पेंशन का डिफरेंस, इसके 1,00,000 रुपया पड़े हैं। कम से कम इस कैटेगरी में कोई 46,000 के करीब पेंशनर आते हैं, उनको आप दे। तो ये सारी बातें थी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और मेमोरेंडम में 12 के 12 जिलों के थ्रू इनको गया था और कांगड़ा से तो कुछ SDM और CLR के थ्रू भी गया था। पर आज तक हमारे से ना कोई बात हुई है या ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। पर माननीय मुख्यमंत्री की जो तबीयत थी वो ख़राब थी वो हम ये भी जानते हैं, पर उम्मीद है कि जो पता लगा है कि अब वो ठीक हो गए और हम ये चाहते हैं कि हमारे से बातचीत की जाए और हमारा जो ये मांगे हैं उनके ऊपर हमारे से बातचीत की जाए और पेंशनरों का जो ड्यू है खास करके जो 6th पे कमीशन का एरियर है 12% डीए है तो रिमबर्समेंट का बहुत सारा पैसा ड्यू पड़ा हुआ है। और एक मांग और भी है जो है कि हमारा कम्यूटेशन है जिन लोगों ने लिया है, बहुत थोड़े लोग होंगे इसमें, वो उसका पीरियड वो 15 साल से घटाकर 10 साल किया जाएगा, उसकी कटौती, क्योंकि 10 साल में जो हमने लोन लिया वो 10 साल में पूरा हो जाता है। पर अभी तक ये कोई बात नहीं हुई तो आज हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी कांग्रेस के MLA हैं 39 के 39 उनको हम अपना यही मेमोरेंडम देंगे और इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस पेंशनर एसोसिएशन जो है एक नॉन पॉलिटिकल है, इसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। जो भी सरकार पावर में होती है हम अपनी मांगे उनसे उठाते हैं और हम इनसे भी अनुरोध करते हैं, चाहे मंत्री है चाहे MLA है, कि हमारी मांग वहाँ रखे मंत्री जी के सामने। अगर नहीं रखते तो अगला जो, जैसा हमने आपको बोल भी दिया कि अगला जो हमारा जो इसके बाद है नेक्स्ट, हम इन जहाँ भी मंत्री MLA जाएंगे हम इनका गिरदाव करेंगे और जिस जिस भी जहाँ जहाँ भी इनका प्रोग्राम होगा तो जितने भी पेंशन जो है जो उस यूनिट के है, जो MLA कोई जिस भी ब्लॉक का या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिट और ये हर नीचे ब्लॉक लेवल तक फैली है। और इसके बाद हम अभी भी आप लोगों के माध्यम से भी इनको बोलना चाहते हैं कि DA की किस्त दी जाए और जो हमारा एरियर है 6th पे कमीशन का वो दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप भली भांति जानते हैं कि आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, हिमाचल में जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो उनके भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। पर हमारे को माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो ये तोहफा दिया है पेंशन, क्योंकि सारे पेंशनर सीनियर सिटीजन है, वो सब 60 से ऊपर ही है, जो भी रिटायर होते हैं कहीं 60 में हो रहे हैं कहीं 59 में भी है, वो सब ऊपर है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो सैलरी आज मिल रही है, पर पेंशनर को अब 9 तारीख का आदेश दिया, इससे पेंशनर में बहुत ज़्यादा रोष है। और इसमें जो एक पॉलिसी ये बोल रहे हैं कि इसमें है कि 3 करोड़ बचना था, जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5 तारीख को दी थी और पेंशन 10 तारीख को दी, तो अब एम्प्लॉयज़ को दे दी तो अब तो जो पेंशनर का वो 1 करोड़ हमारा कोई 28-30 लाख बचता है, वो भी जो गिनती हमने नहीं की, जो इनके ब्यूरोक्रेट है जिनकी ये सुन रहे हैं इन्होंने की है। इन्होंने बोला है कि 1200 करोड़ रुपया सैलरी पे खर्च होता है, 800 करोड़ पेंशन पे होता है। तो जो हमने तो वही बोला है, जो 800 करोड़ का जो इंटरेस्ट बोल रहे हैं ये कि हम कहीं से लोन नहीं लेना चाहते, इंटरेस्ट हम ये बचा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ये बचा रहे हैं कि 1,28,30,00,000। अगर इतनी ही स्थिति खराब है कि आपको ये जो प्रदेश के जो पेंशनर है और जिन्होंने इस प्रदेश को आज जिस लेवल में पहुंचा है, इसको संवारा है और
आज अब उनसे आप 1,30,00,000 की ये अगर ये उनसे जो आपको बेनिफिट चाहिए कि इसमें आप बचत कर रहे हैं तो आप हमारे को बोलिए, हम हर महीने आपको 1,30,00,000 या जो भी बनता है देने को तैयार है। हमारे हर पेंशनर का तो क्या बनेगा, 70 रुपया बनेगा एक सैलरी में से, वो देने को तैयार है। पर पहले आप ये चीज बोले कि स्टेट में ये स्थिति हो गई है कि हम अपने पेंशनर को पेंशन नहीं दे सकते, और आप हर प्लेटफॉर्म में आप ये बोल रहे हैं कि हम अपने जो पेंशनर है कोई वित्तीय स्थिति नहीं है। जो आपने अनुशासन लगाना है ये हम पर ही लगाना है। हजारों जो हमारे पेंशनर है वो इतने हैं कि अभी भी कई लोग हैं बीमारियों से त्रस्त है, उनके करोड़ों के जो रिम्बर्समेंट के बिल पेंडिंग है। मैं आपको एक वाकया कल का बता देना चाहता हूँ कि कल एक पेंशनर जो तो सीनियर, उन्होंने PGI जाना था, मियां बीवी दोनों बीमार थे, वहां से ट्रीटमेंट चल रहा था, CA के वो पेशेंट है, CA मीन्स कैंसर के पेशेंट है, तो ये बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है 1 तारीख को, इसलिए हम PGI नहीं जा सकते। ये स्थिति है पेंशनर की, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपको ये लगता है कि 1,30,00,000 या जो पेंशनर से हम बचत कर रहे हैं, आप बोलिए हमारे को बोलिए हम जो है 1,30,00,000 पेंशन आप 1 तारीख को दीजिए, पर ये हम आपको दे देते हैं अगर ये स्थिति प्रदेश की है। इसके बाद भी अगर ये बात नहीं मानी, प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ी रैली हम शिमला में करने जा रहे हैं, और वो उसके लिए हम टाइम देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री, त्योहारों का सीजन आ रहा है, दिवाली से पहले पहले और जो ये दशहरे के दौरान हमारे जो ड्यूज है और बाकी 6th Pay Commission के हमारे को दे, नहीं तो हम मंडी में पूरे स्टेट लेवल की एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, उसमें यही फैसला होगा कि शिमला में एक इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पेंशनर का होगा जो आज तक नहीं हुआ है।